काम वालों ने वो किया है जिस कि मुझे उम्मीद थी। क्या? क्योंकि कहते हैं कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने खातिर सभी कमाते हैं, अपने लिए खाना सभी बनाते हैं। जो दूसरों के लिए करता है, दूसरों के मुंह में खाना देना कोई विशेष आदमी कर सकता है। और विशेष आदमी में कुछ क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी है जिसके कारण आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वो क्वालिटी है हमारे जीवन से काम करते हैं, जिनका नाम ही जीवन है, जिन्होंने इस विद्यालय के साथ साथ इस गांव के पिछले 6 सालों से जो बच्चे यहाँ से निकले हैं उनको नया जीवन दिया है। और इस जीवन में सच्ची बात तो ये है कि हम लोग यहाँ इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, परंतु इनके बदले में हमें कुछ मिलता है। पर बिना स्वार्थ के जो काम करता है उस आदमी को क्या कहेंगे। अरे अभी सीधी सी बात है कि हम लोग जो आप गांव से यहाँ एक दिन के लिए स्कूल में आए हो, तो दो चार बातें जरूर कह के आयो। घर पे थोड़ी देर के लिए जाता हूँ, थोड़ी देर स्कूल में जाना है। ये कल कहे तो भी मन में आया था कि चलो एक दिन स्कूल जाना है। और जो आदमी बिना स्वार्थ के रोज स्कूल आता है सुबह इतनी ठंड में, उसके लिए क्या हम अपना एक दिन दे सकते। और आपने दिए वास्तव में काबिले तारीफ है। आजकल मैं 4 महीने से पिछले दिनों कालवाड़ा में काम कर रहा हूँ, कालवाड़ा के लोग अच्छे हैं, परंतु बहुत अच्छे अगर कहें तो दारीवाड़ा के लोग, आपकी तारीफ करनी पड़ेगी इस मायने में। बात डाले श्री सतपाल जी को मैं इन्वाइट करूंगा, जहां भी हो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो प्लीज मंच के पास आए, माइक के पास आए और अपने विचारों को साझा करें। हमारी SMC कमेटी के प्रधान, पंचायत के सदस्य, गांव से आए हुए बुजुर्ग, मेरे स्टाफ के सदस्य, अध्यापकगण और आज के कार्यक्रम के विशेष रूप से आयोजनकर्ता, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी खुशियाँ ले ले। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जब नए साल पर सभी को बधाई देता हूँ। और जो आज ये प्रोग्राम रखा गया है इसमें श्री जीवन मिश्र जी के लिए ये समारोह रखा गया है, मैं चाहूँगा कि सभी उनके लिए एक बार तालियां बजाएं दर्शकों की तरफ से। और मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, प्यारे बच्चों और SMS कमेटी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्लब से, मैं सर जीवन राम जी को नए साल के मुबारकबाद देता हूँ। सर यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत से शब्द थे इनके लिए भाई संदीप ने, सुभाष जी ने और अन्य साथियों ने वो सारे के सारे शब्द कह दिए हैं। मेरे पास से और कोई भी शब्द शेष नहीं है। बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा लगता है।